तकरीबन मुझे 1.5 ईयर्स हो चुके हैं फिनेस्ट्राइड और मिनोक्सिडिल दोनों कंबाइन लेते हुए। सो ये लुक आप देख सकते हैं कि मतलब टिम्पल्स पे इसका असर इतना अच्छा नहीं है मिनोक्सिडिल का, और टिम्पल्स पे मतलब जो स्टॉपेज है ना, जो प्रोग्रेस रो हुआ है, ये आई थिंक फिनेस्ट्राइड की वजह से हुआ है। और बाकी मिनोक्सिडिल जो है वो क्राउन पे बहुत ज़्यादा मतलब बेटर वर्क करता है, और क्राउन पे बाल्स भी आ गए हैं मेरे, और वो भी है मतलब थिक भी हो गए हैं ना, लेकिन टेम्पल्स पे इतना अच्छा मतलब वर्क नहीं करता, बेटर नहीं करता। एज़ पर माई एक्सपीरियंस मिनोक्सिडिल जो है ये आपके बाल्डनेस को मतलब रिवर्स तो नहीं करता, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस जो है उसको बहुत ज़्यादा मतलब स्लो कर देता है। सो इट्स बेटर टू यूज़ मिनोक्सिडिल इंस्टेड ऑफ नॉट यूजिंग इट। स्टार्ट में मैंने दो पिक्चर्स लगाए, उसमें आप देख सकते हैं कि मतलब 1.5 ईयर्स पहले भी मेरे बाल जैसे थे, अभी भी उस तरह है, मतलब ज़्यादा मतलब ख़राब नहीं हुए, ना ज़्यादा अच्छे हुए, ना ज़्यादा ख़राब हुए, तकरीबन उसी तरह ही है। So as a whole, it was my experience with minoxidil and finasteride for 1.5 years, and I am happy with its results, and I will keep using it and will share my experience with you guys. You guys can see in the pics that my hair crown area is very dense. This is minoxidil and finasteride.